गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 7 फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शन जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं उन नंबर के बारे में। फिर उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिए थे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में कि कौन से फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, और किस टाइप से हो सकते हैं वो इक्विवेलेंट। तो उसी के आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 96/192 विद। तो इसमें आपको ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनने के लिए क्या होना चाहिए, या तो जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो सेम नंबर से डिवाइड करने पर यह आंसर आना चाहिए, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यह आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर इससे छोटा नंबर है तो डिवाइड होगा, इससे बड़ा है तो मल्टीप्लाई। जब पिछला क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का था, लेकिन उसमें क्या था, यहाँ पर तो छोटा फ्रैक्शन था और जो बाद में नंबर थे वो बड़े थे, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। और यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन पहले से दिया हुआ है ये है बड़ा फ्रैक्शन है, और इसके बाद जो फ्रैक्शन हमको बनाने फ्रैक्शन उसके जो नंबर है वो छोटे हैं, इसका मतलब इसमें डिवाइड हो रहा है। तो जैसे एक बार मैं फ्रैक्शन लिख लेता हूँ 96/192। ठीक है, अब इसको या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है या सेम नंबर से हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इसने लिख रखा है कि राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 96/192 विद न्यूमरेटर 32, यानी ऐसा फ्रैक्शन लिखना जो इसका इक्विवेलेंट हो और उसका न्यूमरेटर होगा 32। ठीक है, उसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 32। तो अब आपको ये देखना है कि इसको किस नंबर से डिवाइड करने पर 32 आता है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर। ठीक है, यानी कि इस नंबर को हमने किसी से डिवाइड किया तो आ रहा आंसर 32। तो मैंने यहाँ पर 32 की टेबल लिखी है। ठीक है, उसमें 96 आता है 3 टाइम। ठीक है, ये मैंने पहले से लिख रखी है 32, अगर आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड किया 3 टाइम, तो आपको इसको भी 3 टाइम डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि इसको 3 से डिवाइड किया तो इसको भी 3 से डिवाइड करना है। अब इसको 3 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, हम करते हैं इधर रफ में, 19 नहीं आता है, 18 आता है, 3 की टेबल में कितने टाइम आता है, 6 टाइम। फिर इनको माइनस किया तो आएगा 1, और ये 2 ऊपर से आया, 12 हो गया। 12 कितने टाइम आता है, 3 की टेबल में 4 टाइम, तो क्या रहा, 64, यानी इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, 64, ये हमारा आंसर है। तो क्या करना है आपको, सेम नंबर से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो जब इधर बड़ा फ्रैक्शन है इधर छोटा है, इसका मतलब डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें न्यूमरेटर तो हमको दिया हुआ था, अब एक और है, यही है फ्रैक्शन, यही रहेगा, अब डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इधर, जैसे कि पहले वो फ्रैक्शन लिख लेते हैं हम 96/192 इक्वल टू लिख रखा है, डिनोमिनेटर 6 है, यानी इसको हमने किसी नंबर से डिवाइड किया तो 6 आ रहा है। तो वो नंबर कौन सा है ये फाइंड आउट करने के लिए आप इन दोनों को डिवाइड करके भी पता लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसको 6 है और 192 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ 6 की टेबल से, 6 की टेबल में 18 कितनी बार आता है, 19 नहीं आता, 18 आता है, 3 टाइम, और फिर बच रहा है 1, और ये 2 आया, तो 12 कितनी बार आता है, 2 टाइम। ठीक है, अगर आपको पहले से टेबल लर्न है तो भी आप पता लगा सकते हो, नहीं पता है कि इसको किससे डिवाइड किया तो 6 आ रहा, तो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 32, यानी इसको हमने 32 से डिवाइड किया। यहाँ पर हमने टेबल लिखी थी 32 की, तो इसमें भी आ रहा है 192 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 192 को अगर हम 32 से डिवाइड करते तो 6 आता है, यानी कि 32 की टेबल में 6 टाइम आता है। ठीक है, तो इसको भी आपको 32 से डिवाइड करना है। तो 96 कितनी बार आता है, हमने अभी देखा था 3 टाइम, तो आपका फ्रैक्शन मैंने कहा 3/6, ये इसका आंसर है। ओके, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि 96 को किससे डिवाइड करने पर 32 आ रहा, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर लोगे तो आंसर आएगा 3, तो फिर आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर को भी 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, और अगर आप टेबल लर्न है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको क्या करना था,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना था, पहले हमने किया था, लेकिन पहले मल्टीप्लाई वाला था, यह है डिवाइड वाला। वो क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें मल्टीप्लाई कर गया था, सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें डिवाइड करना है क्योंकि इधर जो नंबर है वो छोटे हैं आंसर में। अब क्वेश्चन नंबर 8 वो है चेक वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। आपको ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं इन ये इक्विवेलेंट है या नहीं ये पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको एक बार इन फ्रैक्शन को लिखना है इधर और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे सिंपल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई का, मतलब 4 को 27 से और 9 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक है। यानी कि 4 इंटू 27 और 12 इंटू 9, ये आपको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 27 और 12 इंटू 9। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो आने वाला है, ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद वो सेम आता है तो आपका आंसर जो है मतलब ये इक्विलेंट होंगे, फ्रैक्शन क्या होंगे, इक्विलेंट, ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे। तो 12 9 जो कितने होते हैं 108 और 24 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम बनी, ठीक है, 7 4 जाए 28, 2 कैरी, 4 2 जाए 8 प्लस 2 10, 108 आ रहा। यानी ये दोनों क्या है, इक्वल आ रहे प्रोडक्ट दोनों के, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन इक्विलेंट है, ठीक है। आपको लिखना यस और इक्विलेंट फ्रैक्शन। सेम ऐसे ही करना इसमें भी, ठीक है। आपको पता लगाना है इक्विलेंट है या नहीं है, तो आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें फ्रैक्शन है फर्स्ट 8/15 और सेकंड है 7/18, तो 7 को तो 15 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और 8 होगा 18 से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 इंटू 18 और 15 इंटू 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम 15 इंटू 7, 7 5 तो 35, 3 कैरी, 7 इंटू 1 कितना होता है 7 प्लस 3 10, 105, इसका आंसर आ रहा 105। और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 18 और 8 को, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 6 14, 144। यानी कि दोनों साइड आंसर इक्वल नहीं आ रहे, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। बीच में मैंने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो आपको लिखना है नॉट इक्विवेलेंट। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे इसका न्यूमरेटर लिया तो सेकंड वाले का डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर तो इसका डिनोमिनेटर, फिर उनके जो आंसर है प्रोडक्ट वो सेम आना चाहिए मल्टीप्लाई के बाद, तो ये होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इसी के साथ हमारी जो 7.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 7.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। 7.2 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।